सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, अगर हम लोग को पोकेमोन के बारे में कुछ भी जानना होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उस पोकेमोन के बारे में, तो हम पढ़ते हैं उस पोकेमोन का पोकेडेक्स एंट्री। तो ज़्यादातर तो हमको पोकेडेक्स एंट्री में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें बताई होती हैं जिनसे हम उस पोकेमोन के बारे में और जान सकें, तो ये काफ़ी सही रहता है। लेकिन कभी कभी यार पोकेडेक्स एंट्री पता नहीं पोकेमोन वाले क्या सोच के लिख देते हैं, मतलब पोकेडेक्स एंट्री में कुछ भी लिख देते हैं, जो मन में आया कुछ भी लिख दिया। मतलब यार एकदम ही इलॉजिकल पोकेडेक्स एंट्री रहती है, तुम लोग को अभी देखने मिलेगी ये सारी पोकेडेक्स एंट्री। तो वीडियो बस एंड तक जरूर देखना। अब बिना किसी देरी के आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विक्ट्रीबेल। तो ये ग्रास और पॉइजन टाइप का पोकेमोन है, सब लोग अच्छे से जानते ही हैं इसको। तो इसकी पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ इस पोकेमोन के मुंह के अंदर जाती है वो पिघल जाती है, चाहे मतलब वो कितनी भी हार्ड चीज़ हो, कितनी भी सख्त चीज़ हो, अगर वो इसके मुंह के अंदर गई तो वो सीधा पिघल जाएगी। मतलब विक्ट्रीबेल के मुंह में एक ऐसा एसिड रहता है जिसके चलते जो भी चीज़ इसके मुंह में आती है वो एकदम मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। लेकिन यार ये पोकेडेक्स एंट्री बिल्कुल ही गलत है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, शायद बहुत लोग समझ गए होंगे। भाई एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा है कि जेम्स के पास भी एक विक्ट्रीबेल था जो कि हमेशा ही जेम्स को खाता रहता था। सही में यार, जब तक जेम्स के पास विक्ट्रीबेल था वो ज़मीन पे कम, विक्ट्रीबेल के मुंह में ज़्यादा दिखता था हमको। तो इससे तुम समझ सकते हो जेम्स कितना ज़्यादा रहा है उसके मुंह में, लेकिन वो कभी भी मेल्ट नहीं हुआ। जबकि यार पोकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ इसके मुंह के अंदर जाती है वो सीधा मेल्ट हो जाती है। तो यार ये बिल्कुल सेंसलेस पोकेडेक्स एंट्री है, बिल्कुल रॉन्ग पोकेडेक्स एंट्री है। नंबर 2, रेजिगिगास पोकेमोन। ये पोकेमोन एक नॉर्मल टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है और ये रेजी ट्रायो का लीडर है। भाई इसकी पोकेडेक्स एंट्री तो पता नहीं यार पोकेमोन कंपनी वालों ने क्या सोच के लिखी है, मतलब सही में भाई कुछ भी लिख जाए इसकी पोकेडेक्स एंट्री में। रेजिगिगास की पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि ये पोकेमोन रस्सियों की मदद से एक पूरे कॉन्टिनेंट को खींच सकता है। यार कोई कितना भी ताकतवर हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, कॉन्टिनेंट को कोई कैसे खींच सकता है, और वो भी रस्सियों की मदद से। कौन सी रस्सियाँ आ रही है जिनसे कॉन्टिनेंट खींच जाएगा? भाई इसकी पोकेडेक्स एंट्री तो पता नहीं यार क्या सोच के पोकेमोन कंपनी ने लिखी है। मतलब यार कुछ तो ऐसा लिखते हैं जो कि हम लोग बिलीव कर सके कि हाँ ऐसा कर सकता है ये पोकेमोन, पर ये कौन मान सकता है कि यार एक पोकेमोन रस्सियों की मदद से कॉन्टिनेंट खींच सकता है? कुछ तो यार ऐसा लिखते हैं जो कि हम बिलीव कर सकें। नंबर 3, अलेकजाम। इसकी एक पोकेडेक्स एंट्री काफ़ी फेमस है, तुमको पता होगा इसके बारे में कि इसका जो IQ है वो 5000 है। यार 5000 IQ है इसका, मतलब यार तुम लोग समझ सकते हो ये पोकेमोन लिटरली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इसकी एक पोकेडेक्स एंट्री में ये भी लिखा हुआ है कि ये पोकेमोन अपने से जो भी मतलब बचपन से लेके आज तक इसके साथ हुआ है हर चीज़ को याद रख सकता है। लेकिन यार इस सब के बाद भी ये पोकेमोन सिर्फ 4 ही मूव सीख सकता है। मतलब भाई IQ भी इतना ज़्यादा है और ऊपर से ये भी लिखा हुआ है कि ये बचपन से अब तक की हर चीज़ को याद रख सकता है, उसके बावजूद भी यार मूव्स को भूल जाता है और 4 ही मूव्स रखता है आखिर में। नंबर 5, विक्टनी पोकेमोन। विक्टनी को तुम लोग अच्छे से जानते ही होगे, इसकी पोकेडेक्स एंट्री भी शायद जानते होगे। इसकी पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि ये पोकेमोन कभी भी हार नहीं सकता, जो भी ट्रेनर इस पोकेमोन के साथ में है वो ट्रेनर कभी भी हार नहीं सकता। जो कि यार हम लोग बिल्कुल ही सेंसलेस और गलत पोकेडेक्स एंट्री कह सकते हैं इसको, क्योंकि यार तुम लोग खुद ट्राई कर लेना पोकेमोन गेम्स में इसको अपनी पार्टी में रख के, तुम लोग तब भी हार सकते हो। पोकेडेक्स एंट्री पढ़ के कभी भी यार पोकेमोन चुनने की गलती मत करना कि तुम लोग पोकेडेक्स एंट्री पढ़ के भाई विक्टनी को लेके चले गए कि हमारे पास तो विक्टनी है, हम तो कोई बैटल हार ही नहीं सकते और फिर भी हार जाओगे। तो पोकेडेक्स एंट्री के तो कभी मत सुनना किसी भी चीज़ में। नंबर 6, अब चलो यार जरा नज़र डालते हैं पोकेमोन वर्ल्ड के गॉड की पोकेडेक्स एंट्री की तरफ, यानी कि RCS की पोकेडेक्स एंट्री की तरफ। RCS के पोकेडेक्स में ये लिखा हुआ है कि इस पोकेमोन ने अपने हजारों हाथों की मदद से इस दुनिया को बनाया है। तो जैसे कि तुमने अभी सुना, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि RCS के पास 1000 हाथ हैं जिनकी मदद से उसने पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को बनाया। तो यार यहाँ पर तुम लोग खुद देख लो, इसके पास कोई भी 1000 हाथ है ही नहीं भाई, कितना भी ढूंढ लो इसके 1000 हाथ मिलने ही नहीं वाले। चलो यार हाथ को तो एक बार फिर भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस पोकेमोन का ओरिजिन तक एकदम सेंसलेस है, कुछ भी लिख रखा है इसकी पोकेडेक्स एंट्री में। तो पोकेडेक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि एक दिन अचानक से RCS का एग आया और उसमें से RCS निकला और फिर जाके उसने पोकेमोन वर्ल्ड बनाया पोकेमोन्स के साथ मिलके। तो यार ये बिल्कुल ही सेंसलेस चीज है, मतलब जब वहां पर कुछ है ही नहीं तो ये अंडा कैसे आया तो पता ही नहीं भाई, ये एक मिस्ट्री है समझ लो पोकेमोन वर्ल्ड की। RCS के 1000 हाथ कहाँ पर है और इसका अंडा कहाँ से आया, इसका जवाब यार पोकेमोन वाले ही देंगे हमको कभी। नंबर 7, चार्जार्ड। अब चार्जार्ड यार एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोकेमोन है, लेकिन इसकी पोकेडेक्स एंट्री बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, मतलब इतनी कम पॉपुलर है कि पोकेमोन वालों ने खुद ही नहीं पढ़ी। क्योंकि यार इसकी पोकेडेक्स एंट्री में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि चार्जार्ड के मुंह से जो आग निकलती है, फ्लेम थ्रोअर वाली आग जो रहती है, वो इतनी ज़्यादा गर्म है, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि वो किसी भी चीज़ को पिघला सकती है। मतलब यार कुछ भी कैसी भी चीज़ हो, ये हर चीज़ को पिघला सकती है इसकी आग। तो ये ऐसा पोकेडेक्स में लिखने के बाद पोकेमोन वालों ने एनिमे में हमको क्या दिखाया,
चार्जर इतनी बार फ्लेम थ्रोअर मारता है ऐश के मुंह पे, लेकिन ऐश को कभी कुछ भी नहीं होता। अपना ऐश यार एकदम लेजेंडरी बंदा है यार, सही में उसके मुंह पे आग लग जाए उसको तब भी कुछ नहीं होता, पिकाचू से कितने झटके खा ले बिजली के तब भी कुछ नहीं होता। नंबर 8 लार्वेटार। अब ये छोटे से क्यूट से पोकेमॉन को देख के तुमको क्या लगता है इसकी पोकेडेक्स एंट्री में क्या लिखा होगा? तो लार्वेटार की पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि ये पोकेमॉन एक पूरे माउंटेन को खा जाता है और पूरे माउंटेन को खाने के बाद ये सो जाता है ताकि ये ग्रो कर सके। यार ये चीज़ बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि इतना छोटा सा पोकेमॉन एक पूरे माउंटेन को कैसे खा सकता है? बूढ़ा हो जाएगा ये, तब तक खाता ही रहेगा उस माउंटेन को। क्योंकि भाई तुम ही सोचो, माउंटेन होते हैं इतने ज़्यादा बड़े और ये पोकेमॉन इतना छोटा सा, तो ये एक माउंटेन को खाने लगेगा तो इसको कितना टाइम लग जाएगा? और पहली बात तो खाएगा भी कैसे, पता नहीं कैसे तो माउंटेन को खाएगा। तो यार ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल ही सेंसलेस लगी, तो इसको तो लिस्ट में लेना बनता ही था। नंबर 9 स्लगमा। इसका एवोल्यूशन मकारगो, उसकी पोकेडेक्स एंट्री भी तुमको पता होगी एकदम सेंसलेस है। उसकी पोकेडेक्स एंट्री में लिखा है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सन से भी ज़्यादा, तो भाई वो भी बिल्कुल सेंसलेस है। लेकिन ये जो स्लगमा है इसकी पोकेडेक्स एंट्री भी बिल्कुल ही इलॉजिकल है। तो स्लगमा के पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि ये पोकेमॉन कभी भी सोता नहीं है, क्योंकि अगर इसने कभी भी गलती से मूव करना रोक दिया तो ये तुरंत ही इसका जो लावा है वो एकदम हार्ड हो जाएगा और ये वहीं पर जम जाएगा। इसका केस बिल्कुल स्पॉइंक की तरह, जैसे स्पॉइंक ने अगर बाउंस करना रोक दिया तो वो तुरंत मर जाएगा, वैसे ही अगर स्लगमा ने मूव करना रोक दिया तो वो तुरंत वहाँ पे जम जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर भी ये कुछ भी लिखा हुआ है, क्योंकि एनिमे के अंदर हमने इस पोकेमॉन को एक जगह पे खड़े हुए देखा है, मतलब तब ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, जैसे कि तुम इस इमेज में देख ही सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी ये पोकेमॉन एकदम ठीक है, ये जमा नहीं, इसको कुछ भी नहीं हुआ, तो भाई कह सकते हैं हम लोग ये पोकेडेक्स एंट्री बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल सेंसलेस है। पता नहीं यार, जब पोकेमॉन वालों को अपनी पोकेडेक्स एंट्री अपने एनिमे के अंदर नहीं फॉलो करनी होती तो वो लोग लिखते ही क्यों है फिर। नंबर 10 क्यूबोन। क्यूबोन की पोकेडेक्स एंट्री में ये लिखा हुआ है कि ये अपनी मरी हुई माँ का स्कल पहनता है, तो क्या हम लोग इससे ये समझे कि यार सारे क्यूबोन की मॉम जो है वो ऑलरेडी मर गई होती है? देखो यार, 1000-2000 क्यूबोन की मॉम अगर नहीं हो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यार दुनिया में जितने भी सारे क्यूबोन है वो सभी स्कल पहन के रखते हैं, तो क्या सबकी मॉम ऑलरेडी मर गई है? और यहाँ तक कि यार पोकेमॉन ओरिजिन्स के अंदर हम लोगों ने एक एपिसोड में क्यूबोन को अपनी माँ के साथ देखा था, उसकी माँ मतलब जिंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस क्यूबोन ने स्कल पहन रखा था, तो अब ये स्कल कहाँ से आ गया है? उसकी माँ तो जिंदी है। तो यार क्यूबोन की पोकेडेक्स एंट्री देखा जाए तो काफ़ी सैड है, लेकिन यार ये कुछ भी सेंस नहीं बनाती, मतलब काफ़ी इलॉजिकल टाइप की पोकेडेक्स एंट्री है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। और यार पोकेडेक्स के ऊपर तुम लोग को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो यार कमेंट में कुछ पोकेडेक्स एंट्री के ऊपर आइडिया बताना जिसमें मैं वीडियो बना सकूं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना और सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ इंस्टाग्राम की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी जाके ज़रूर से फॉलो कर लो और 2000 फॉलोवर्स करा दो। और ये है हमारी आज की वीडियो की पोके क्विज, मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।